इस लेक्चर में हम जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडवांस्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। दोस्तों, पार्टनरशिप में जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, बहुत मोटे तौर पर छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता है, मैं बता देता हूं। किसी भी तरह का लॉस हो, एसेट्स की वैल्यू कम होने से या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने से, तो डेबिट साइड में आता है। माइनस का मतलब मैं लिख भी देता हूं, लॉस। किसी भी तरह का लॉस हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होने से, तो वो डेबिट साइड में आता है। क्योंकि देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब भी हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, जिन एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होने से अगर गेन है, प्रॉफिट है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां प्लस लिख देता हूं मैं, प्लस का मतलब गेन मान के चलिए, यानी प्रॉफिट। लेकिन हम इसमें बहुत बेसिक नहीं कर रहे हैं दोस्तों। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन आती हैं अदर इंफॉर्मेशन में, जिनकी वजह से मिस्टेक हो जाती है बार बार। जैसे कहीं इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड टू, इस तरह की वैल्यूज लिखी होती हैं। तो मैंने एक बैलेंस शीट ली है, इसको ध्यान से देखना, और तीन एडजस्टमेंट ली हैं। इन एडजस्टमेंट्स का रीवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मुझे लगता है इससे और भी इससे रिलेटेड जो एडवांस प्रॉब्लम्स होती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम, उनको आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, मैंने बैलेंस शीट में लिया है क्रेडिटर्स, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। इस प्रोविडेंट फंड पे मैं खास तौर से बोलना चाहूंगा दोस्तों। प्रोविडेंट फंड यानी इसके साथ फंड लग गया, अधिकतर लोग इसको रिजर्व्स की तरह लेकर चलते हैं, लेकिन नहीं। प्रोविडेंट फंड एक लीगल लाइबिलिटी है, यानी इसका ट्रीटमेंट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की तरह ही होगा। ये प्रोविडेंट फंड इज ए लाइबिलिटी, याद रखना। और जैसे क्रेडिटर्स का होता है, बिल्स पेबल का होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का होता है, वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह प्रॉब्लम्स आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के केस में, उसको भी हम चलिए डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। तो सबसे पहला है दोस्तों, देखिए, प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय 50%। ध्यान से देखिए, प्रोविजन क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहां प्रॉब्लम कहां आती है, ध्यान से देखो। हमारे डेटर्स हैं 71,000 रुपीज के और प्रोविजन है 1,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 50%। कुछ स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या कर सकते हैं, डेटर्स का 50% कैलकुलेट करेंगे। नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय, यानी ये जो 1,000 का अमाउंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ये 50% बढ़ गया। तो 1,000 का 50% कितना हुआ, 500 रुपीज, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपए से इंक्रीज हो गया, यानी डेटर्स की वैल्यू 500 रुपए और कम हो गई। हमें डाउट हो गया कि हमारे 500 रुपीज और डूब सकते हैं, तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, तो ये हमारा लॉस है, ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये होगा 500। इसे ध्यान से देख लो दोस्तों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी प्रोविजन इंक्रीज हुआ है। इसमें डेटर्स पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्रोविजंस का 50% करेंगे, ये याद रखिएगा। अब सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 90%, यानी जो फर्नीचर की वैल्यू है वो कम होकर कितनी हो गई, 90% तक रह गई। यानी कितनी वैल्यू कम हुई, इसे डायरेक्ट कर लो, 10% फर्नीचर की वैल्यू कम हुई। दोबारा देख लो दोस्तों, फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 90%, यानी ये फर्नीचर की वैल्यू 100% है, 60,000, कम होकर कितनी रह गई, ये 90% रह गई। इसका मतलब वैल्यू कितनी कम हुई है फर्नीचर की, 10% कम हुई है। तो 10% कितना हुआ 60,000 का, 6,000 रुपीज। तो यहां लिखेंगे हम, टू फर्नीचर अकाउंट इट इज 6,000। यानी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना दोस्तों, नई बैलेंस शीट बनाओगे, तो फर्नीचर की वैल्यू 60 माइनस 6, 54,000 रह जाएगी। इसी तरह डेटर्स में से जो प्रोविजन लेस करके दिखाओगे, तो 1,000 पहले से था, 500 ये इंक्रीज हो गया, तो डेटर्स में से 1,500 लेस करके दिखाओगे आप न्यू बैलेंस शीट में। अब थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए,
प्रोविडेंट फंड इंक्रीज्ड 2 रुपीज 1,10,000। प्रोविडेंट फंड हमारी एक लीगल लाइबिलिटी है, यानी इसकी तो 100% पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल पहले कितना था, देखिए सॉरी प्रोविडेंट फंड कितना था पहले, 1,00,000 रुपए था। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज्ड 2 रुपीज, देखिए अगर तो है इंक्रीज्ड बाय, तो तब वो पूरा अमाउंट ले लिया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन अब क्या लिया है, प्रोविडेंट फंड इंक्रीज्ड टू 1,10,000। कहने का मतलब 1,10,000 तक इंक्रीज हो गया। पहले कितना है प्रोविडेंट फंड, 1,00,000, तो इंक्रीज कितना हुआ प्रोविडेंट फंड, 10,000 रुपीज। प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी है, इसका मतलब प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपए से बढ़ गया। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है, यहां लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड, टू प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज। तो ये तीन ट्रांजेक्शन बताने का मेरा मकसद क्या था दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है प्रिपेयर करना, लेकिन जल्दबाजी में हम ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि उससे कैपिटल अकाउंट भी गलत होगा, बैलेंस शीट भी गलत हो जाती है। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट करें तो इन टर्म्स को बड़े ध्यान से देखें, रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड टू, इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड टू, इनका मीनिंग समझें, इनकी प्रैक्टिस करें, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। अब देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आगे 16,500। मान लो दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो यहां हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो क्या होती है, इक्वल होती है 8,250, दोनों को लॉस ट्रांसफर हो जाएगा 8,250। ये हो गया 16,500। तो दोस्तों मैंने फटाफट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का बता दिया, मीनिंग भी हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है ये भी बता दिया, डेबिट में लॉसेज आते हैं क्रेडिट में गेंस आते हैं ये भी बता दिया आपको, इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड टू, रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड टू का मीनिंग क्या है, इनको बड़े ध्यान से देख कर करें और उसके बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, पहले इलस्ट्रेशन फिर एक्सरसाइज। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।